अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, बेताशा रिस्क दे, इतना दे कि दूसरे लोग आपकी दस्तरखान पर आके खा के चले जाएं और आपको दुआएं दे। अल्लाह आप लोगों को इतना दे। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह। आज हम लोग बना रहे हैं श्रिम्स कैबेज। श्रिम्स कैबेज है ये, तो ये किसी फ्रेंड ने मुझसे शेयर की है, मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, गुड फ्रेंड। थैंक यू सो मच लीजा, यू शेयर दिस रेसिपी, थैंक यू। तो उसको उसने कहा था कि ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, इसको आप शेयर करें अपने चैनल पे, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर इंशाल्लाह। सो ये हम लोगों के पास है, हमारे पास था हाफ के जी श्रिम्स, उसको मैंने साफ़ किया, ये इतना रह गया है, इसको साफ करना पड़ता है। इसका बैक का हिस्सा है, देखिए इसको साफ करके, इसका हेड वगैरह साफ करके, इसका सिर्फ टेल हमें चाहिए, इसकी टेल में ब्यूटी होती है, इसकी टेल हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए श्रिम्स को पहले हम मैरिनेट करेंगे, सही। इसके लिए मैरिनेट के लिए हमें चाहिए लेमन हाफ पीस, हम इसमें मैरिनेट में शामिल करेंगे। और सोया सॉस हमें चाहिए, डार्क सोया सॉस चाहिए 1 टी स्पून। और ये केचप है, इसमें से हमें 1/2 टी स्पून चाहिए। विनेगर 1/2 टी स्पून। और ये चिल्ली है, सही है, देखिएगा ये चिल्ली है, मैंने इसको पीसा है, इसमें से हमें 1/2 टी स्पून चाहिए। और ये स्प्रिंग ओनियन है 1/2 कप। और ग्रीन चिल्ली आपके अपने ऊपर है, जितना आप कर सकते हैं। सोया सॉस है हमारे पास, ये देखिएगा 1 टेबल स्पून है, लेकिन आप हम श्रिम्स में यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए लेमन की जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा भी हमें चाहिए, ये देखिए इसका ऊपर का हिस्सा है, इसको हम लोग ऐसे क्रश करेंगे, इसका हिस्सा ऊपर का, ये हमें चाहिए थोड़ा सा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये भी हमें चाहिए। और हमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये देखिएगा 1 टेबल स्पून है, ये अभी हम मैरिनेट कर रहे हैं, इसके लिए भी चाहिए। को अच्छी तरह मिलाएंगे हम, इसको मिक्स करके इसको हम लोग शैलो फ्राई करेंगे, सही है, इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें वेजी चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कैबेज, ये देखिए ये कैबेज है, राउंड कैबेज लेना पड़ता है हम लोगों को। कैबेज का जो हर लेयर जो है, इसको इस तरह हम लोग निकाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखो इसकी ब्यूटी, वाइट माशाल्लाह। तो ये देखो पॉकेट की तरह है, इस तरह राउंड है नीचे का, तो ये श्रिम्स कैबेज पॉकेट इसको बोलते हैं, इसको इस तरह, ये जो हिस्सा है इसका राउंड, सही है, ये हमें चाहिए। इसको हम लोग इस तरह काटेंगे, इस तरह काट के
ये चीज़ हमें चाहिए, ये देखिएगा सही है, इसको लेके इसके इसमें चाहिए हमें 6 या 8। अगर आपकी फैमिली बड़ी है आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्वांटिटी मसाले का ज़्यादा कीजिएगा। ये कैबेज जो है एक्स्ट्रा जो बच गया ऊपर, इसको हम पेंकेंगे नहीं, इसको हम लोग कट करेंगे, कट करके हम इसको अपनी वेजी में डालेंगे। खाने को प्लीज़ ज़ाया ना कीजिएगा, अल्लाह ने हम लोगों को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, सही है। इसको काट के इसको हम अपने वेजीज़ में डालेंगे। वेजीज़ में हमें ग्रीन ये है हमारे पास रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम है। अभी फ़िलहाल मेरे पास रेड ग्रीन नहीं था, तो अगर नहीं है तो उसकी जगह नो प्रॉब्लम आप स्प्रिंग ओनियन है वो भी यूज़ कर सकती हैं, अपने ऊपर है आपकी। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये देखिएगा ये वेजीज हैं जो मैं यूज़ करूँगी इसमें, और कैबेज और चिली आपकी अपने ऊपर है, जितना आप यूज़ कर सकते हैं कीजिएगा, और लेमन है। ये बहुत टेस्टी बनेगा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रिम्स को शैलो फ्राई के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून तेल, कोई भी तेल हो जो आप यूज़ करते हैं। ये लेके इसको वॉर्म करके थोड़ा सा अब इसको डाल देंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम थोड़ा सा दोनों साइड पे। एक साइड पे जब ये हो जाएंगे फिर दूसरी साइड पे हम करेंगे सबको। ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। कभी कभी दिल चाहता है ना डिफरेंट कुछ बनाएं, खाएं, फैमिली को खिलाएं, कुछ सरप्राइज दें किसी को इस तरह। तो माशाल्लाह रेडी हो गए, देखो रेडी हो गया। अब इसको निकाल देंगे हम लोग, अब इसका वेजी हम लोग फ्राई करेंगे। इसको बस निकाल के हम इसका वेजी फ्राई करेंगे। हमें चाहिए 1 वॉक, इसमें 2-3 टेबल स्पून हम लोग ऑयल डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। और हमारे पास जो केचप था आधा हम लोगों ने श्रिम्स में डाला था, आधा इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम लोग चिली सॉस, चिली है, विनेगर है जैसा हमारे पास बचा हुआ है, और ऑस्टर सॉस है, हम लोग मिक्स करेंगे। इसको 2-3 मिनट ऐसे ही ऑयल में पकाएंगे, 2-3 मिनट तेज़ आंच पे, सही है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कैप्सिकम जो हम लोगों ने काटे थे वो, और कैबेज। कैबेज मेरे पास है तकरीबन 2 कप के करीब है, इसको भी हम ऐड करेंगे। अब इसको करेंगे मिक्स। इसको ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, सही है, इसको करेंगे मिक्स। इसमें 1/2 लेमन हम लोगों ने जो श्रिम्प से मैरिनेट के लिए डाला था आधा रह गया ये है, इसमें ऐड करेंगे हम। और ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर अगर आप लोगों को, मुझे तो पसंद है, आपके 1 टेबल स्पून डाल दें, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें
इनके मुंह में आता है। मैं अक्सर लीजा के पास जाती हूँ, मेरे लिए बनाती है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग स्प्रिंग ओनियन जो कटे हुए थे, ये डाल के हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए, बिल्कुल रेडी है। बस ज़्यादा हम लोग पकाएंगे नहीं इसको। अब इसमें ये देखिए, ये रेडी है। बस हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कर दी है। सही इस तरह होता है। और कटोरी में हम लोगों ने वेजी और एक लेमन का टुकड़ा डाल दिया है। और माशाल्लाह अब सब कटोरी में तीन तीन श्रिम्स आ गए हैं मेरे पास, देखिएगा माशाल्लाह। और ये सैलड लीव्स है, ये आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल कोई भी सैलड लीव्स है तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। सही है, हर कटोरी में एक एक लेमन डाला है मैंने, ये देखिएगा। तो इसी तरह सबको करते हैं हम लोग रेडी। ये माशाल्लाह 8 बास्केट बन गए, 4, 5, 6, 7, 8। और इसके साथ केचप, सही है, केचप भी अब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, ताकि मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगे कि उसकी रेसिपी को आपने ट्राई किया, आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे एक सिस्टर है, उसने मुझसे पूछा कि आप खाना बना रही, खाना कहाँ जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के इधर काफ़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, काफ़ी लेबर्स हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश के हैं, कहीं पर फिलिपिनी भी हैं। तो मैं बनाती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ, काफ़ी खाना उनके पास जाता है, मैं ज़ाया नहीं करती हूँ रिस्क को, कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ। अल्लाह ने इसीलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना दिया है बहुत दिया है, अल्लाह का एहसान है। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, ट्राई कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।